Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है रविवार एंड ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि सैटरडे का. तो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था और मैं सारी रात बहुत ही अच्छी तरीके से सोई और तब जाके थोड़ी बहुत तबीयत मुझे ठीक लग रही थी. पूरी रात सोई हूँ मैं और नींद भी अच्छी आ गई थी मुझे, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. और फिर वही है कि इंसान का शरीर है, क्या चीज़ आपके शरीर में घट रही है बढ़ रही है इतना नॉलेज नहीं हो पाता है. बट हाँ, ब्लड प्रेशर का सिम्टम नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. तो उसमें जो जो सिम्टम मुझे लगते थे बॉडी में, वैसा कुछ भी नहीं था. इतना बॉडी पेन, पहले तो सर में ही हो रहा था, फिर पूरे बॉडी में, मतलब बॉडी एक जो होता है वो हो रहा था. तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी. आज भी मैं सोच रही थी कि आज मैं कुछ शूट नहीं करूं, थोड़ा आराम करूं. एक दो दिन जैसे आराम की भी बहुत जरूरत होती है सभी को. बस नहा ली हूँ सुबह से, कोई ऐसा काम नहीं किया है. सैटरडे सैटरडे जैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो आज नहीं की है क्योंकि पूरी तरीके से मैं ठीक नहीं हूँ. लो फील हो रहा है मुझे. नहा के पूजा तो करूँगी, पूजा ज़रूर करूँगी. कितनी भी तबीयत खराब रहे वो ठीक है, वो तो चलता है. जीवन है तो शरीर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. आप कितना भी अपने आप को फिट रखिए, हर कुछ दिनों के बाद में सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही है, तो उसको इतना टेंशन नहीं लेना है. बट हाँ, कल तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं तो सो गई थी. फिर मुझे किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, डायरेक्ट सुबह उठी हूँ मैं. और यहाँ नहाना तो हो ही गया था मेरा, उसके बाद में मैं गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए. और जो मंदिर आप मेरा डेली देख रहे हैं अभी, तो ये पूरा वाइट है और पीवीसी की शीट इस पर, मतलब ऊपर चढ़ाई हुई है, मतलब वाटरप्रूफ जो होता है. तो बस इसको क्या है कि वीक में एक बार मैं शैम्पू के पानी से क्लीन कर लेती हूँ. ऐसा मुझे कारपेंटर ने बोला है कि पीवीसी को आप कभी भी जैसे कि घिस विस के ज़्यादा हार्श जो चीज़ है उससे मत घिसिएगा. तो फिर मैंने सैटरडे के दिन ही, यानी कि कल कर लिया था. और यहाँ गंगा जल ख़त्म हो गया था स्प्रिंकल में, सो वो भी भर लिया. और इन ये जो फ्लावर पॉट है ना, यानी कि गमला, तो इसको मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरे घर में जो कलर हुआ था वो बचा हुआ है, तो जो भी पेंट इस पर अच्छा लगेगा तो एक दिन मैं पेपर बिछा के और बैठ के इसको ज़रा सा पेंट करूँगी. और ये मंजरी जो है वो मैंने, जैसे एक्स्ट्रा जो होती है तुलसी के पौधे में, वो निकाल दी थी. निकाल देना चाहिए, उसके बाद में फिर तुलसी का पौधा घना होता है, मतलब अच्छा होता है. वैसे मंजरी जब निकल जाती है तुलसी के पौधे में, तो उसका मतलब होता है कि तुलसी का पौधा और नहीं बढ़ेगा. बट उसको अगर आप निकाल देते हैं तो फिर वो सही हिसाब से बढ़ता है, तो इसलिए निकाल देती हूँ वीक में एक बार, जब भी होता है तो निकाल देती हूँ. जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामान, जनी पुत्र पवन सुत नामा, तुम उपकार सुग्रीव भय किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जिन पर भानु, ले लियो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्र का मिले मुख माही, जल्दी लानी गए छज नाही.
और बस सुबह की पूजा तो हो गई थी संपन्न। और एक रात पहले ही मैंने सोच लिया था कि जब मैं सुबह पूजा करूँगी तो उसके बाद में मैं ये पूरा बाहर का जो एरिया है मंदिर का, इसको मैं क्लीन करूँगी। तो एक छोटे से बाउल में मैंने बाहर जो बेसिन है उसमें मैंने शैम्पू एक पाउच डाल के पानी का घोल लिया था। ऐसा मुझे कारपेंटर ने बोला था कि पीवीसी को उसी से क्लीन कीजिएगा और जो एकदम हार्ड वाला जो लोहे का तार वार होता है बर्तन मांजने का उससे बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। तो थोड़े ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे दिख रहे थे, अब वाइट है ना पूरा, तो कुछ कुछ दिन में जैसे दाग वाग दिखता ही है क्योंकि रोज़ ही पूजा करते हैं तो हाथ लगता है तो उसके भी दाग हो ही जाते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया, एकदम चमक गया है वाइट पूरा। बस यहाँ क्लीन वगैरह सब कुछ हो गया और ड्रॉअर तो मैंने एक दो दिन पहले ही क्लीन कर लिया था, तो जैसे अंदर बहुत सारा सामान जो रखती हूँ मैं पूजा का, तो वो हटा के आप समझ लो कि हर एक दो दिन के बाद में ही मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। और ये वाला जो कपड़ा है ये भी मंदिर का ही है, मगर ये पोछा पाछी के लिए है। भगवान जी का जो फ़ोटो मैं पोंछती हूँ वो कपड़ा मैं अलग रखती हूँ। सो यहाँ पूजा भी हो गई थी, साफ़ सफाई भी हो गई, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ बिल्कुल मंदिर क्लीन है, अच्छा लगता है। बस उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके नाश्ता किया और यहाँ निकाल लिए थे ये गोविंद भोग चावल। फिर से वही लंच बना था, प्याज खीरा टमाटर का रायता, सोयाबीन मटर का पुलाव और आलू मेथी बनाई थी। और शाम के लिए भी मैंने एक सब्ज़ी बना ही ली थी, पनीर और शिमला मिर्ची की भुजिया। तो वो तो अभी आप देखिएगा, जो मतलब दूध जब गर्म किया चाय के लिए तो वो दूध फट गया, तो वो पनीर ही हो गया। तो मगर वो इतना भी नहीं था, उसमें बस मैंने पनीर को मिक्स करके और भुजिया बना ली थी। तो ये सब्ज़ी एक रात पहले की ये बची हुई थी, मुझे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी थी, खाना मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, फिर चाहे वो एक रोटी हो या फिर बहुत सारी सब्ज़ी हो। तो ये इस तरीके से मैं बना देती हूँ तो सब खा भी लेते हैं और खाना फेंकता भी नहीं है। तो वही है कि जिनको खाना नहीं नसीब होता है उनके बारे में एक बार सोचिए, अगर कोई भी खाना आपके सामने फेंकता है तो एक बार उसको एडवाइस बिना मांगे ही दे दीजिए कि खाना प्लीज़ मत फेंको। किसी ज़रूरतमंद को खाना दे दीजिए, किसी के पेट में पड़े खाना उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, मगर फेंके नहीं। तो ये सब्ज़ी बची हुई थी तो इसका मैंने पुलाव किया है। एक्स्ट्रा में मैंने सिर्फ टमाटर डाला है दो छोटे, एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी एक्स्ट्रा डाला है, मटर डाल दिए हैं और बस चावल डाल के जैसे मैं वेज पुलाव बनाती हूँ सो बना दिया था। सो दोपहर में ही खा के ख़त्म भी हो गया। और ये अगर ये सब्ज़ी ही सिर्फ ऐसे खानी है तो ये भी रोटी के संग अच्छी लगेगी। बस वो भुन गई थी अच्छी तरीके से और इसमें डाल दिया मैंने चावल। और जब तेल गर्म हुआ था तो थोड़ा खड़ा मसाला भी मैंने डाला, तेज़पत्ता, दो तीन इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का टुकड़े में करके डाला मैंने, तो उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और खाने में किसी को ये फील नहीं होगा कि भाई बचा हुआ खिला रहे हैं। और एक छोटा चम्मच देसी घी का डाला है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर कोई खाना बचता है तो उसको आप रीयूज़ करके पूरी फैमिली मिलके खा लेते हैं, तो इस तरीके से अन्न फिकता भी नहीं है और किसी के पेट में भी जाता है, भरपेट सब खा भी लेते हैं, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सब इसी मतलब खाने के लिए ही तो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन रात जगते हैं, दो दो ढाई ढाई बजे तक रात तक काम करते हैं, फिर सुबह उठ जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, तो सब कुछ सारा खेल तो अन्न का ही है ना, कि दो रोटी चैन की मिले, तो उसको कभी भी फेंकने मत दीजिए। ऐसी मेरी सोच है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और बस यहाँ पे एक नींबू का रस निचोड़ दिया था, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला पाव भाजी का मसाला, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है पुलाव में। और बस नमक यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप नमक जो बाद में बैलेंस करती हैं उससे बीपी हाई होता है। फ़िलहाल मैं पहले बता देती हूँ, नमक बैलेंस करके मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है, दैट्स इट। इसमें बस दो सीटियाँ लगाई हैं मीडियम गैस पर। तो मैं बात कर रही थी कि एक कमेंट आया था, बट उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया, उनका पूरा कंसर्न यही था कि शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो बीपी हाई तो नहीं हो गया है, तो उन्होंने तो मेरे बहुत अच्छे के लिए ही बोला है, थैंक यू सो मच डियर। बट मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब लास्ट में नमक डालती भी हूँ तो 3 से 4 मिनट उस सब्ज़ी को या जो भी मैं खाना बना रही हूँ उसको पकाती हूँ मैं, ताकि जो कच्चापन है नमक का वो चला जाए। बट आपने इतना प्यारा कमेंट किया, थैंक यू सो मच, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो कमेंट करना बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। और बस यहाँ पुलाव तो बन गया था, दो सीटी लग गई थी, इधर बना रही हूँ पनीर शिमला मिर्ची की सब्जी भुजिया, यानी के शाम के लिए।
तो तेल गरम हो गया था, उसमें दो तेज़पत्ता डाल के मैंने यहाँ दो मीडियम साइज़ की प्याज को लंबाई में कट करके डाला, और जब वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो ये दो टमाटर चॉपर में कर लिए थे, और ये ढेर सारी शिमला मिर्ची मेरे पास थी जो कि काफ़ी दिन पुरानी हो गई थी, यानी कि सप्ताह भर पुरानी। तो इसमें से काट छाट के मैंने अच्छी तरीके से इसको सारा ही मतलब डाल दिया है शिमला मिर्ची, ताकि यूज़ हो जाए और फिके भी ना। मेरी कोशिश बस यही रहती है कि फिके नहीं खाना बिल्कुल भी। और यहाँ शिमला मिर्ची डाल के थोड़ी हल्दी डाली है और थोड़ी सी काली मिर्च तो मैंने डाली है, और अब इस टाइम पे थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक बाद में भी चेक कर लेंगे। तो बस इसको मिक्स करके और फिलहाल ढक रही हूँ स्लो गैस पर, ताकि टमाटर तो बिल्कुल चॉपर में हो ही गए थे, हलवा करके ही डाले मैंने, बस शिमला मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये एक्स्ट्रा में मैंने थोड़ा सा पनीर डाला है, और बाकी जो चाय के लिए दूध चढ़ाया था तो उसमें इलायची डाल चुके थे, बट वो फट गया तो वो भी इसमें यूज़ हो गया, तो इलायची के दाने हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो छेना जो बन गया था वो भी इसमें यूज़ हो गया, तो पनीर क्या है वो छेना ही होता है, सो इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के व्लॉग में मैं आपको जस्ट ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि खाने का सामान ये जो है मतलब फेंकना नहीं है, इसको रीयूज़ करके कैसे भी करके, जैसे कि नाश्ते में सब खा लें, खाने में सब खा लें, तो ऐसा ही होना चाहिए, अन्न नहीं फेंकना चाहिए। इसीलिए मैं ये शायद दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये खाना फेंकना मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब काम लगता है। उससे अच्छा है कि अगर आप घर में नहीं बना रहे हैं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, वो खा ले। और यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई थी, तो बस ऊपर से डाला है मैंने हरा धनिया। सो आलू मेथी सबसे पहले ही बन गई थी, तो उसका तो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत बार रेसिपी मैंने उसकी शेयर की है। और एक साइड में बस मैंने संध्या मासी को बोला था कि दो चार पराठे जिनको लगे वो बना लो, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी लो तो है ही, बट हाँ खाना तो मैंने खड़े होके पूरा ही बनाया। और ये देखिए पुलाव की शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भर के भी मैंने नहीं बनाया, बस इतना बनाया कि सब खा भी लें और खाना ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि एक्सेस एकदम बासी खाना भी अच्छा नहीं होता है। अगर रात का बच गया है तो वो सुबह चल जाता है, फिर उसको दो दिन तक चलाओ तो ऐसा भी नहीं कि हेल्थ ख़राब कर लो। तो ये इतना बनाया कि सबने खाया और ख़त्म हो गया, बस ऊपर से मैंने डाला है हरा धनिया। और अब आपको करके दिखाती हूँ डेली वाली थाली की प्लेटिंग, और सब कुछ ज़्यादातर इसमें मैंने आपको दिखाया है कि लेफ़्ट ओवर ही था, लाइक जो सोयाबीन की सब्ज़ी है वो तो लेफ़्ट ओवर ही थी, एक रात पहले बनी थी, और जो छेना था वो भी एक दिन पहले शाम को जब चाय के लिए दूध चढ़ाया था तभी वो फट गया था, बस इलायची डाल चुके थे उसमें, सो उसको भी मैंने उठा के संभाल के रख दिया था फ्रिज में। तो बस ये आलू मेथी ज़रा सी ही बना ली थी, इसमें आलू आपको बहुत ही कम दिखाई देगा क्योंकि एक छोटा सा आलू डाला है और मेथी ज़्यादा है। सो चलिए अब सबसे पहले करके दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग, बिल्कुल सिंपल सी मगर बिल्कुल सेटिस्फाइंग थाली है, और देखिए कोई भी सामान ख़राब नहीं हुआ है, सबने बहुत ही सर माथे लगा के खाना को खाया और वो ख़त्म भी हो गया, तो फिका भी नहीं। सो ये थी हमारी सैटरडे स्पेशल थाली, घी के देसी घी के पराठे, बिल्कुल क्रिस्पी वाले आलू मेथी की सब्जी, सोयाबीन का पुलाव विथ मटर, और पनीर और शिमला मिर्ची की भुजिया, और प्याज खीरा टमाटर का रायता। तो खाना बहुत ही मतलब लजीज जो बोलते हैं वो बना था, बहुत बढ़िया बना था, सबने ही खा लिया था, मैं ही बाद में बैठी हूँ खाना खाने के लिए। फिर वही है कि ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी अंदर से, मगर इस टाइम पे मैंने बस खाना खाया है और उसके बाद में फिर मैं रूम में अंदर आई हूँ। बाकी सब इस टाइम पे खा के अपने अपने रूम में सब सो गए थे, आंचल का क्लास चल रहा था तो बस वो क्लास कर रही थी, और यहाँ पर मैं आई हूँ, बस मैंने पर्दा डाला है और आराम किया है मैंने, तो मैं आराम से एक घंटा यहाँ पर मतलब सोई हूँ और नींद भी पूरी हो गई। तो दोपहर की जो नींद है अगर वो आधा घंटा भी हो जाए तो बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बस वही है कि परसों तो तबीयत वाकई में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आपको कल के व्लॉग में बोला कि शायद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगी।
बट जब मैं सोकर उठी सुबह तो काफ़ी बेटर फील मुझे हो रहा था, सो इसलिए फिर मैंने शूटिंग की और आपसे मिलने चली आई। बस यही इतना सा रीज़न था जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी। मगर आपसे नहीं मिलूँगी तो किससे मिलूँगी? सो ज़रा सी तबीयत मेरी ठीक हुई तो मैं सीधी चली आई हूँ आपसे मिलने के लिए। और ये तकरीबन शाम के 4:15 बज रहे थे तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू लेके जस्ट मुझे थोड़ा सा हल्का सा जाला सा दिख रहा था तो वो मैंने हटाया है, बाकी तो एक दो दिन के बाद में ही डीप क्लीनिंग करूँगी। सो बस इसी तरीके से सुबह से शाम तो हो गई थी, तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।